हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूँ। वैसे मैं एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज खुशी या आनंद, मतलब हैप्पीनेस इज अ चॉइस, इसके बारे में। ये अपना चुनाव है। अपने मन को खुशी लगना या अपने मन में खुशी रहना या खुशी आना, ये अपना चुनाव हो सकता है, ये अपना चॉइस हो सकता है। क्या था कि जिंदगी में हम यही सोचते रहते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, मेरा बच्चा यदि पास हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मुझे ट्रेन का टिकट मिल जाएगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, मैं दिल्ली या बॉम्बे जाऊंगा, वहां मैं काम करूंगा, वो काम सक्सेसफुल होगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, मेरे धंधे में यदि सक्सेस मिला या पैसा ज्यादा आ गया तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। मतलब हमारे सामने काफी सारे रीजंस, काफी सारे कारण रहते हैं कि जो यदि पूरा हो गया या मेरी जो अपेक्षा है, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा उद्देश्य है, वो पूरा हो गया तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, ऐसा लगता है। और मन जैसा नहीं हुआ या अपेक्षा भंग हो गया तो मैं दुखी हो जाता हूं। तो ये जो है मेरा, मेरे मतलब मुझे खुशी लगना या खुश रहना, मैंने ये वातावरण के ऊपर डिपेंड ना होते हुए, वातावरण के ऊपर मर्यादित ना रहते हुए, वातावरण के ऊपर निर्भर न रहते हुए, मुझे अंदरूनी खुशी कैसी रहेंगी वो हमें देखना है। क्योंकि देखो, खुशी जो है, आनंद, वो तो हमको जो मिलता है तो थोड़े समय के लिए मिलता है, फिर हम और दौड़ना चालू कर देते, फिर थोड़े समय के लिए मतलब कुछ मिला, आनंद लगता है, फिर हम दौड़ना चालू करते हैं, आनंद वो खत्म हो जाता है कुछ समय बाद में, फिर हमको आनंद फिर ढूंढना पड़ता है। मतलब हम कुछ ना कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ किसके तभी पीछे दौड़ रहे हैं ताकि मुझे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और वो मिला के मुझे आनंद लगता भी, मैं खुश होता भी हूं, और उसके बाद में फिर और लगता है कि नहीं, अभी मैं और कुछ तभी करूं ताकि मुझे आनंद मिलेगा, और मैं दौड़ना चालू कर देता हूं। क्योंकि आनंद जो है, ये खुशी जो है, ये स्थिर नहीं है, ये तुरंत मिलती है और तुरंत गायब भी हो जाती है, और फिर हमारी अपेक्षा और कुछ रहती है कि नहीं, अभी मुझे वो करना है ताकि मुझे खुशी मिलेगी। लोगों को लगता है कि पैसा मिलेगा तो पैसे से मैं जो चीजें खरीद सकता हूं वो खरीदूंगा और उससे मुझे खुशी मिलेगी, और खुशी मिलती भी है खरीदने के बाद में, अच्छा मोबाइल लाए, खुशी मिलती भी है, मगर वो खुशी टिकती नहीं है, बाद में वो निकल जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम ऐसा क्या करें कि भाई मुझे खुशी मिलेगी अंदरून, और वो बिना कुछ वजह। एक बच्चा 4 साल का था, बहुत ही खुश नजर आ रहा था मुझे, वो बहुत जंपिंग कर रहा था इधर से उधर से। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो गया, भाई इतना खुश क्यों है? तो उसने जवाब दिया, कारण तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही खुश हो। बच्चों को कोई कारण नहीं लगता खुश होने के लिए, हमको कारण लगता है, और कोई खुश दिखा तो बोलता है कि भाई क्या हो गया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो हम कारणों के ऊपर डिपेंड है खुशी रहना या नहीं रहना। एक औरत थी, करीब करीब 80 साल की उम्र थी, और उसको वृद्धाश्रम में जाना था हरदम के लिए। वो वृद्धाश्रम में गई तो वहां रिसेप्शनिस्ट जो जहां थी वहां गई वो, और वहां उसने बुकिंग वगैरह किया था पहले, तो उसने बोला ठीक है, वेलकम, आप अंदर आइए, और बोले आपका जो कमरा हम आपको अलॉट कर रहे हैं वो पहले मंजिल पे है। तो बोले बोले बहुत खूब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रिसेप्शनिस्ट देखती रही, तो यूजली 80 साल का बूढ़ा आदमी है तो फिर पहले मंजिल पे गया तो उसको लगता है कि भाई पहले मंजिल पे क्यों दे रहे। फिर उसने बोला कि आपका जो कमरा है वो दक्षिण मुखी है, ये तो बहुत ही अच्छा है, बोले फंटास्टिक। फिर उसको रिसेप्शनिस्ट ने ये भी बोला कि आपका जो कमरा है ना वो बहुत ही छोटा है, और वो 10 बाय 10 का कमरा है, छोटा सा। बोले बहुत ही अच्छा हो गया, बोले। तो वो रिसेप्शनिस्ट को ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत ही खुश नजर आ रही। यूजुअली ये उम्र के लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई मुझे ग्राउंड फ्लोर का कमरा चाहिए, मुझे बड़ा कमरा चाहिए, कमरे में ये होना चाहिए, ये तो इसको कुछ भी हो रहा था, बोलती बहुत अच्छा है। उसने पूछा कि भाई आप ऐसा मतलब इतने खुश कैसे हो जब हम आपको सब बता रहे हैं कि सब विपरीत है आपको जो चाहिए उसके।
तो उसने बोला कि नहीं, मैं कोई भी सिचुएशन को डील करने के पहले, कोई भी प्रसंग है, कोई भी घटना है, उसको उसका सामना करने के पहले मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं पहले खुश रहूँ और बाद में उसका सामना करूँ, क्योंकि मेरी खुशी बाहर के वातावरण के ऊपर मुझे क्या मिलेगा नहीं, उसके ऊपर नहीं है, तो मुझे खुशी अंदरून ही लगती है। तो मैं कोई भी वातावरण को, कोई भी घटना को जब उसका सामना करती हूँ तो पहले खुश हो जाती हूँ और खुश होकर उसका सामना करती हूँ, ताकि मेरी खुशी उसके ऊपर निर्भर नहीं। कितना बड़ा लेसन है। तो हमको ये हैप्पीनेस है ना, वो क्रिएट करते आना चाहिए। हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल जो है, वो कंप्लीट रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है, और लोग हमारा बटन दबाते रहते हैं और फिर हम गुस्सा करेंगे। किसने कुछ बटन दबाया तो हम विचलित हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। किसने और कुछ बटन दबाया तो हम खुश हो जाएंगे। किसने तारीफ कर दिया, प्रशंसा कर दिया तो फिर खुश हो जाएंगे। तो ये जो है, ये हमारा जो आइडेंटिटी है, ईगो जो है, वो बहुत स्ट्रांग होने से ये होता है। अभी हमको ये तय करना है कि भाई मुझे सिचुएशन कुछ भी रहो, मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। मेरी खुशी मुझे सिनेमा का टिकट मिलता या नहीं मिलता, मेरे बाजू में कौन बैठता, मेरे को सफर करने में बर्थ मिलता या नहीं मिलता, मुझे अच्छा खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मतलब जो भी कुछ है वो मुझे ये देखना है कि भाई मेरा झगड़ा होगा नहीं होगा, मुझे वेलकम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब मेरी खुशी जो है वो कोई बाहर के वातावरण के ऊपर निर्भर ना होते हुए अंदरून हम क्रिएट करेंगे। और अंदरून क्रिएट करके हरदम 24/7 खुश रहेंगे, क्योंकि वो मेरा चॉइस है। खुश रहना ये मेरा चॉइस है, और मैं खुशी या मतलब आनंद मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज आपके लिए इतना ही सही है। आपके आजू बाजू के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो परिस्थिति वशता और कारण वशता से दुखी है, उनके जीवन में सुख नहीं है, काफी सारे प्रॉब्लम्स लोगों के हैं, और लोगों को मतलब सुख तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो आप इनको जरूर वीडियो पास करो, शेयर करो। वे परिस्थिति कैसी भी रहो, कितना भी विपरीत सिचुएशन रहो, मेरा निर्णय ये है, मेरा चॉइस है ये कि भाई मैं खुश रहूंगा। और यदि आप करते हैं तो बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फिरकेगी, दूर दूर तक बीमारी रहेंगी, अपने आसपास भी नहीं आएंगी। सो जरूर ये शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।